नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों की ओर। 5 राज्यों के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 7 चरणों में चुनाव किए जाएंगे। तो वहीं 10 फरवरी से यूपी से चुनाव का शुरुआत किया जाएगा और 10 मार्च को ये परिणाम आते हुए नजर आएंगे। पंजाब में चुनाव से पहले नए डीजीपी को लगा दिया गया है, जिसमें वीके भरवा को नया डीजीपी लगाया गया। वहीं चुनाव के मद्देनजर 15 जनवरी तक कोई भी रोड शो और रैली को नहीं किया जाएगा। वहीं जीतने के बाद में यह एक बार फिर से दोबारा नहीं किया जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें जो लोग मतदान के लिए नहीं जा सकते उनके घर पर जाकर के मतदान करवाया जाएगा। अपडेट में बता दें कि आप सभी को कि 8 दिन के अंदर महज 10 लाख पहुंच चुका है कोरोना का आंकड़ा। वहीं दूसरी लहर के अंदर इसमें 1 महीने का समय लगता हुआ नजर आया। गुजरात के एक्सपर्ट ने चेतावनी दे दी है, जिसमें 15 कमरे के अंदर अगर 50 लोग हैं और उनमें से अगर एक ओमिक्रॉन संक्रमित है तो लगभग सभी 50 को संक्रमित होता हुआ नजर आया। के मेयर चुनाव के अंतर्गत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जिसमें मेयर के पद पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। तीसरी डोज के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, तो किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की इसमें जरूरत नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में अब भारत ने भी 7 दिन को आइसोलेट को मान लिया है। अब 14 की जगह 7 दिन आइसोलेशन रखना पड़ेगा, लेकिन वहीं एक्सपर्ट्स का दावा है कि इसके अंतर्गत बीमारी ज्यादा फैलती हुई नजर आएगी। रेल का टिकट बुक करना अब और भी ज्यादा महंगा होता हुआ नजर आएगा, जिसमें अब टिकट बुक करते समय 50 रुपए लगभग मेंटेनेंस फीस भी देनी होगी। पूरे देश के अंदर ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो पिछले 24 घंटे में 25 लाख केस इसमें देखते हुए मिले। वहीं ऑस्ट्रेलिया में इसमें पाबंदियां लगा दी गई हैं, तो नाइट कर्फ्यू के साथ साथ इसमें आप सभी को बता दूं कि नाइट क्लब को भी अब बंद कर दिया गया। गोरखपुर में लॉक का तांडव देखने को मिल रहा है, जिसमें सेकेंड वेव के अंतर्गत लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते हुए गए थे, तो इस बार पहले ही लोग गांव छोड़ करके जाते हुए नजर आए। मुंबई में फिर पलायन देखने को मिला है, जिसमें यूपी बिहार के मजदूर स्टेशन पर बैठे रहे, तो वहीं पुलिस के लाठीचार्ज करने के बावजूद भी वह स्टेशन पर ही बैठे रहे। साल 13 शहर 5G हो जाएंगे, तो वहीं आप सभी को बता दूं कि 4G के मुकाबले 10 गुना ज्यादा इसके अंतर्गत स्पीड मिलती हुई नजर आएगी। आप सभी को बता दूं कि ओमिक्रॉन के दौर में नाखून चबाने की आदत आप सभी के लिए बेहाल साबित हो सकती है, साथ ही साथ बिना सैनिटाइज के हाथ भी मुंह में डालना बहुत खतरे से खाली नहीं रहेगा। बॉलीवुड में एक बार फिर से कोरोना की एंट्री हो चुकी है, जिसमें विशाल ददलानी और मिथिला पालकर को भी अब कोरोना हो चुका है, और साथ ही साथ बाकी सब अब सतर्कता बरतते नजर आए। शेयर बाजार में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसमें सेंसेक्स के अंदर बढ़ोतरी हो चुकी है और लगभग 59,000 तक यह पहुंचता हुआ नजर आया। तीसरे टेस्ट के अंतर्गत भारतीय कप्तान विराट कोहली की वापसी भी देखने को मिल सकती है, कोच द्रविड़ ने ऐसा अंदेशा जताया, और साथ ही उन्होंने कहा कि यह फिट होते हुए भी नजर आ रही है। T20 क्रिकेट के अंतर्गत अब नए नियम लागू होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अब स्लो ओवर रेट के चलते हुए आप सभी को सजा भी मिलती हुई नजर आएगी, तो साथ ही साथ इसमें ब्रेक भी देखने को मिल सकता। राजस्थान में कोरोना को देखते हुए आज से फिर सख्ती जारी कर दी गई है, जिसमें नाइट कर्फ्यू को लगाया गया है, तो साथ ही साथ शादी समारोह में 100 लोगों को अनुमति दी गई। आज राजस्थान के अंदर कई जिलों में बिजली गिरती हुई नजर आ सकती है, जिसमें जयपुर जोधपुर सहित लगभग 11 शहर इस चपेट में आते हुए नजर आएंगे, तो वहीं 11 जिलों के अंतर्गत ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। 17 जनवरी के बाद भी स्कूल खुलते हुए नजर नहीं आएंगे, ऐसा एक्सपर्ट का दावा है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक होगी। सोने चांदी के कीमतों के अंतर्गत एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है, चांदी 900 रुपए तक सस्ती होती हुई प्रति किलो के हिसाब से नजर आई। खबर एमपी से आ
करेंगे, जहां पर बिना मास्क के अब आप सभी को कहीं पर भी जाने की अनुमति नहीं होगी। तो साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना भी जरूरी बताया। 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।